हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का। तो दोस्तों, आप सभी देख रहे हो ये 4 इंची की एल्बो है जो कि लीकेज कर रही है। ऊपर से लेटरिंग का पॉइंट है और जो कि यहाँ पर डेक्चून का पॉइंट में मिलान हुआ पड़ा है, देख सकते हो मैंने हटा दिया है अभी। और अभी हम छैनी से इसको क्लीन करते हैं। और दोस्तों, इसके बाद हम जो ये एल्बो है हर एक मिस्त्री नहीं फंसा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, पहले हम इसको क्लीन करते हैं आराम से और फिर हम आपको पूरा प्रोसेस दिखलाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, देख सकते हो हम आराम से इसको क्लीन करते हैं। पहले ये पाइप का टुकड़ा छोटा सा वो निकाल रहे हैं, देख सकते हो मैंने पाइप का टुकड़ा निकाल दिया है। अभी हम इसको कपड़े से क्लीन करेंगे, पहले देख लें कि कहाँ कहाँ अड़ रहा है। तो देख सकते हैं ये ऊपर करीबन 9 इंच का टुकड़ा लग रहा है। यह हम आराम से करेंगे इस काम को बिल्कुल। देख सकते हो आप सभी, कपड़े से हम इसको क्लीन कर रहे हैं। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें, कुछ भी काम हो तसल्लीपूर्वक होगा। इस काम को करने में लगभग हमें 2 घंटे लगेंगे। अभी हम सामान लेने जा रहे हैं और घर पे इसका सॉकेट जो होता है, देख सकते हो ये 4 इंची का पाइप है। कंपनी इतना सॉकेट देती है 4 इंच का बनाकर, लेकिन हम इसी सॉकेट को बड़ा कर देंगे लगभग 4 से 8 इंच, मतलब टोटल 8 इंची लंबा सॉकेट बनाएंगे। हम इसका प्रोसेस अभी आपको दिखला रहे हैं। गैस पे आराम से इसको गर्म करें हल्का हल्का, और आप एक 4 इंच का पाइप और ले लें जो इसके अंदर जाएगा और ये सॉकेट यहीं से लंबा हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, दुकान पर आप सभी को सॉकेट वाला पाइप लेना है, जब ही आप इस एल्बो को फंसा सकते हो। देख सकते हो ये 4 इंच का तिरुपति का पाइप है। अभी हम इसको चेक कर रहे थे कि गर्म हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों, अभी थोड़ा देर लगेगी, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देख सकते हो बिल्कुल आराम से इसको चेक कर लिया जा रहा है। अब इसमें हम ज़्यादा हीट ना करें, उसको चेक करते रहें मिनट में। और अभी हम दूसरे पाइप में एक अखबार लेंगे और उसको लगा कर लपेट के फिर इसमें फिक्स करते हैं। देख सकते हो अभी हम इसको सेट कर रहे हैं, क्योंकि कैमरा आपको दिखला नहीं पा रहा, क्योंकि मैं भी हाथ से पकड़वा रहा था इसलिए। देख सकते हो अभी पहले हम इसको क्लीन करके इसका साइज बनाएंगे, और साइज बनाने के बाद ये हमने चक्कू ले रखा है, चक्कू से इसका कॉलर पूरा हमने खोला है क्योंकि अभी सॉफ्ट हो गया है ना ये, इसलिए। तो देख सकते हो हमने चक्कू से इसका पहले फिक्स करेंगे, ये आराम से घुमा के ये गहराई में हो जाएगा लंबा। ये मुँह पूरा चला गया, आप इस पाइप को देख सकते हो किसी पूरा 8 इंच लंबा सॉकेट बन जाएगा। इसका प्रोसेस बहुत कठिन होता है, तो विशेष ध्यान रखें पाइप ज़्यादा हीट ना हो। देख सकते हो सॉकेट कितना लंबा है, पाइप इसके अंदर चला गया 4 और 4 6 8 इंच हो गया। 8 इंच लंबा हमने सॉकेट बना दिया है, जो सुबह न्यूज़पेपर होता है हमने कागज़ में लपेट कर इसको साइज आउट करने के लिए हमने इसमें फिर दोबारा 8 इंची का टुकड़ा लगा दिया है गहराई में। तो दोस्तों, ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अभी आप सभी को मैं दिखला दूँ, पानी हल्का सा गेर कर अभी हम इसको निकाल लेंगे तो सॉकेट हमारा 8 इंच लंबा हो गया है। अभी हम आपको वहाँ पर जाकर देख सकते हो, अब हम साइड पर पहुँच गए हैं और ये हमने सॉकेट इसमें लगाया है। अब हम इसमें चेक करेंगे पूरा जा रहा है या नहीं, फ्री है कि नहीं। दोस्तों, पहले चेक कर लें कि आराम से बिना सॉल्वेंट के आगे पीछे हो रहा है या नहीं, और इसी हिसाब से हम इसको देखते हैं कि कितना जाएगा। और यहाँ पर हम इसमें निशान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, देख सकते हो ये करीबन 6 इंच का पाइप है और लगभग हम 3 इंच इसमें लगाएंगे, थोड़ा हल्का सा बस यहाँ, और यहीं पर हम इसको निशान लगा देते हैं। अभी चेक कर रहे हैं हम क्योंकि फ्री है या नहीं, क्योंकि ये काम बहुत कठिन होता है, इस काम में टाइम लगता है, हर एक प्लम्बर भी नहीं कर सकता इस काम को, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हो हमने नाप लिया, अब टुकड़े को हम काट रहे हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से काटा जाएगा कि जितना जाएगा। कुछ चीज़ों को ध्यान रखा जाता है ना, वो गलत कट गया गलत चिपक गया तो फिर नुकसान है मिस्त्री का भी और फिर मालिक का भी नुकसान है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, तसल्लीपूर्वक काम करें। आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो, और बाकी हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है, आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो प्लम्बर के कोई भी काम से रिलेटिव। देख सकते हो आरी से घुमा के हम इस एकदम गोलाई से काट रहे हैं पाइप को।
ये देख सकते हो धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे ध्यान रखें विशेष इस बात का। यार इसे पूरा हमने ब्लेड से काट दिया है दोस्तों, देख सकते हो टुकड़ा हम इसमें पहले फिक्स करके देख लेते हैं। करीबन ये 9-9.5 इंच का टुकड़ा है और ऊपर वाला भी हमने काट लिया है अभी, और ऊपर वाला भी चेक कर लेते हैं और फिर हम उसी हिसाब से एल्बो देखते हैं। देख सकते हो आराम से हम छैनी लगा कर इसको क्लिक कर रहे हैं। डेक चून के पाइप में प्लास्टिक का पीवीसी पाइप हम लगा रहे हैं। देख सकते हो ऊपर का भी टुकड़ा हमने फिक्स कर दिया है। इसी हिसाब से हम अब एल्बो और देखेंगे कितनी हमारी एल्बो जाएगी, क्योंकि टुकड़ा हमने इसलिए फ्री करा है, बीच का टुकड़ा अगर हम उठाएंगे तो छोटा पड़ जाएगा। तो दोस्तों यह है बहुत ही दिमाग का काम है, मतलब लगाने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। देख सकते हो अब हमने टुकड़ा नीचे रख लिया, बहुत ही हम तसल्लीपूर्वक काम कर रहे हैं, कोई जल्दीबाजी ना करें इस काम को करते समय। ये कपड़े से हमने एल्बो 4 इंची की है जो कि हम क्लीन कर रहे हैं। देख सकते हो डस्ट होता है ना, उसको क्लीन करना ज़रूरी होता है, सॉल्वेंट भी लगाना होता है ना। बिल्कुल कपड़े से वो वाला भी टुकड़ा साफ़ कर लें। अब हम इसमें एल्बो लगा के चेक करते हैं एक बार कि फैक्स सीधी मार रहा है गलत। देख सकते हो आप सभी, नीचे टुकड़ा मैंने पकड़ा दिया। ये अपने मोनू भाई हैं जो कि बहुत ही तसल्लीपूर्वक काम कर रहे हैं, और मैं रोहित, मैं कैमरा शूट कर रहा हूँ। देख सकते हो ये दोनों टुकड़े, अब इसमें एल्बो बिल्कुल मतलब फिक्स हो जाएगी। ऊपर हमने फ्री कर रखा है और पहले हम नीचे वाले टुकड़े में एल्बो लगाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखें। पहले कहाँ एल्बो लगानी इस बात का भी ध्यान रखें, पहले हम नीचे वाले टुकड़े में एल्बो लगाएंगे। हाँ तो दोस्तों देख सकते हो ये टुकड़ा हम ऊपर कर देंगे, फ्री है ना, इसलिए अब हम इस पर एल्बो में सॉल्वेंट लगाकर और हम चिपका देते हैं इसको यहाँ पर। हाँ बिल्कुल सोच समझ के काम करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। ये टुकड़ा देख सकते हो पूरा हमने फिक्स कर दिया, दीवार में चिपका रखा है ऊपर वाला टुकड़ा, और हम इसमें सॉल्वेंट लगाते हैं। एम सील का सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि यही एक ब्रांड है जो पी वी सी पर काम करता है, लोकल सॉल्वेंट यूज़ ना करें। और ये तिरुपति की एल्बो है 4 इंची की, 4 kg सॉल्वेंट हमने इस पर लगा दिया है, और अभी हम जो ऊपर टुकड़ा आपको दिखलाया था उस पर भी सॉल्वेंट लगाएंगे और इसको पहले चिपका दें। ये देख सकते हो हम इस टुकड़े पर भी सॉल्वेंट लगा रहे हैं, देख रहे हो आप सभी, चारों तरफ ब्रश को घुमा दें ताकि कहीं ना रह ना पाए सॉल्वेंट लग जाए सही तरीके से। और बिल्कुल 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 बहुत ही आराम से कर रहे हो काम को। देख सकते हो हम अब एल्बो फिक्स कर दे रहे हैं पक्की। और जो आप कॉलर देख रहे हो ना, कॉलर में विशेष ध्यान रखें कि आपको भरना क्या है, एम सील यूज़ ना करें, ब्लैक सीमेंट आता है, ब्लैक सीमेंट में बूरा मिक्स करके इसके कॉलर को भरा जाएगा, जहाँ पर ये प्लास्टिक और डेकचून का कॉलर है। अभी हमने ऊपर वाले टुकड़े को भी फिक्स करना है सॉल्वेंट लगा के। अब हमने नीचे का फिक्स कर दिया, आप सभी को पता है, अब ऊपर वाला टुकड़ा और रह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आराम से बिल्कुल चेक कर लें, ये देख सकते हो हमने चेक करके निकाल लिया है, अभी थोड़ा सा कहीं कमी रह रही है, फिर फिक्स करा हमने। अब ये सीधा है, फेंक देखते हैं फेंक कैसी मार रहा है, फिर भी निकलेगा, गलत मार रहा, थोड़ा सा आउट है फेंक, ये चेक कर रहे हैं आराम से। दोस्तों देख सकते हो ये एल्बो की फेक तो सही हो गई है, लेकिन अब हम सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे, जो कि अभी आपने मैंने दिखलाया था कि नीचे वाले जॉइंट पर जो सॉल्वेंट यूज लगाया था, अब इस वाले ऊपर वाले पर भी फिक्स कर देते हैं हम। उसका भी टाइम आ गया लगाने का, देख सकते हो फंसा दिया है अभी नहीं, ये थोड़ा सा सॉल्वेंट, हाँ ऊपर वाले पर भी सॉल्वेंट लगा देते हैं ना, ये लगा दिया हाथ से, क्योंकि ऊपर ब्रश नहीं चल पाएगा ना, इसलिए इसमें तो हम ब्रश से लगा देंगे, लेकिन ऊपर हाथ से लगाना पड़ेगा सॉल्वेंट। मोनू भैया आप हाथ से सॉल्वेंट लगाएं यहाँ पर, बिल्कुल सही तरीके से लगाएं, जॉइंट बिल्कुल भी लीकेज ना करेगा। देख सकते हो ये, अब हम ये देखिए बिल्कुल आ गया ना सेंटर में। तो दोस्तों इस पर हाथ मारा, ये गया 3 इंच पूरा चला गया है। अब ऊपर वाला जो टुकड़ा है वो तो फ्री है ही, अब बस इसको घुमा देंगे। अभी देख सकते हो ये ये गया ऊपर, और ऊपर वाला टुकड़ा देखो नीचे कर दिया हमने, तो ये चिपक चुका है।
अब ऊपर थोड़ा थोड़ा सीमेंट भर दें ब्लैक को, जो मैंने बताया था कॉलर भरने के लिए, और यहाँ भी भर दें बस। यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी देख सकते हैं। एल्बम हमने जैसी लग रही थी वैसी फिक्स कर दी, और इनकी अब लीकेज भी बंद हो जाएगी। ये है प्रोसेस करने के बाद, आप सभी जब इसका कॉलर भरोगे करीबन 3 घंटे के लिए बंद कर दें पानी बिल्कुल भी, और फिर देख सकते हो आप इसे चेक करना। और यह है बहुत ही बेस्ट ट्रिक, आपकी 100% काम करेगी, लीकेज 1% भी नहीं होगी। और आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो गाइस ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। और देख सकते हो हम इस पर एक सपोर्ट और डाल दे रहे हैं 4 इंची की, क्योंकि दोस्तों ऊपर से पानी आ रहा है तो एल्बो पे वजन पड़ता है, बारिश वगैरह का भी पानी आता है तो एल्बो लीकेज इस तरीके से भी करती है। तो हम इसको सपोर्ट दे रहे हैं 4 इंची की ड्रिल से मारकर। अभी हम इसमें 5 इंची की एक कील को यूज़ करेंगे, बतासे वाली कील, और एक 4 इंची की क्लिप को, और हम इस पर फिक्स कर देंगे ड्रिल से। दोस्तों आप सभी इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बीच में एल्बो नहीं फंसा पाते हैं, बीच में कहीं पाइप फट जाता है या जॉइंट नहीं लगा पा रहे हैं, तो दोस्तों हमें ज़रूर बताएं। और बाकी आपको इसी प्रकार की वीडियो हर समय मिलेंगी, और आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में राय दें अपनी। देख सकते हो अभी हम ऊपर की हम कील को ठोक रहे हैं।